नमस्ते साथियों, आप सब कैसे हैं? आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन घरेलू खजाने में। तो साथियों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही जल्दी बनने वाली सरल तरीके से पौष्टिक भी, स्वादिष्ट भी और साधारण खिचड़ी। तो आइए देखते हैं मैं इसे किस तरह बनाती हूँ। तो इसके लिए मैंने इसमें डाला ये पानी 1 लीटर। मैं ये खिचड़ी 3 लोगों के लिए बना रही हूँ। अभी मैंने इसमें 1 लीटर पानी लिया है। मैं गैस को ऑन करती हूँ और ये कुकर में गैस पे रखती हूँ। इसके लिए हमने लिया है, ये 150 ग्राम चावल है और 100 ग्राम हरी मूंग की दाल है। और इसको मैंने धो के थोड़ी देर पहले गला भिंगो दिया था। अब मैं इसे कुकर में डालती हूँ। ये मैंने दाल चावल दोनों डाल दिए हैं। इसमें मैंने दाल चावल डाल दिए हैं। ये मैंने एक आलू काटा है मीडियम सा, इसको मैंने धो के रखा हुआ है। तो मैं इसमें ये आलू डाल रही हूँ। और ये मैंने एक टमाटर काटा है मीडियम, ये मैंने डाल दिया टमाटर। ये हमारे पास है थोड़े से मटर, ये मैंने मटर डाल दिया। ये मैं डाल रही हूँ इसमें हरा धनिया जो मैंने महीन काट के और धो के रखा हुआ है। और ये है 1 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई। अब मैं डालूंगी इसमें हल्दी, ये मैंने डाला इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। और 1 चम्मच, देखो 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। और अब मैं इस कुकर को बंद कर दूंगी। अब मैं इस कुकर को बंद करूंगी और जैसे ही इसमें सीटी आए तो आप गैस को 5 मिनट के लिए कम कर दें, जिससे हमारे खिचड़ी आराम से बन जाएगी। और क्योंकि कम चीज होती है तो जल्दी सीटी आती है, तो और ज्यादा चीज हम चढ़ाएंगे तो सीटी देर में आएगी। जब देर में आएगी तो चीज बन जाती है, और जल्दी सीटी आती है तो चीज कच्ची रह जाती है। इसलिए हम इसे सीटी आएगी जैसे ही कम कर देंगे इसको। शुरुआत में गैस को हमें तेज रखना है और जब कुकर सीटी देगा, सीटी देने लगे तो गैस को कम कर देना है 5 मिनट तक के लिए। उसके बाद हमें गैस को बंद कर देना है और कुकर का इंतजार करना है गैस निकलने तक। तो साथियों देखो, ये हमारी गैस निकल चुकी है। अब मैं कुकर को खोलती हूँ। ये मैंने कुकर को खोल दिया है। ये खिचड़ी हमारी है तैयार। अब मैं इसमें लगाती हूँ छोंक, जो कि बहुत ही साधारण तरीके से छोंक लगाऊंगी मैं। आप ये इसमें मैंने ये रख दिया है चम्मच। अब मैं ये पुराने तरीके से छोंक लगा रही हूँ। मैंने इसमें ये बड़ा सा चम्मच रख दिया है। और मैं डालती हूँ इसमें ये घी। ये साथियों, चम्मच रखने से पहले आपको छोंक के लिए जो हींग और जीरा तड़के के लिए तैयार रखना है, क्योंकि अगर घी गर्म हो गया और आप जीरा तैयार करते रह गए तो आग लग जाती है उसमें, इसलिए। तो ये हमें तैयार रखना है जब तक हमारा घी गर्म हो रहा है। जब तक हमारा चमचा गर्म हो रहा है, देखो मैंने इसमें जरा सी मतलब 1/4 से भी कम मैंने मिर्ची डाली है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, कोई बात नहीं है उसमें। और साथियों इसमें सब्जी जो भी ऐड करी है, अगर आप चाहें तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं। अगर ये सब्जी नहीं है तो खिचड़ी सादा भी बन जाती है खाली दाल और चावल के साथ। देखो साथियों, हमारा ये घी तैयार हो गया है तड़के के लिए। ये मैंने डाला इसमें हींग और जीरा। ये जीरे को थोड़ा सा लाल होने तक हमें यहाँ देखना है। अब ये जीरा हमारा लाल होता जा रहा है। और ये मैंने गैस को किया बंद और ये मेरा लग गया तड़का। देखो ये मेरी खिचड़ी हो गई है तैयार। साथियों खिचड़ी है हमारी तैयार। अब हम इसे लेते हैं खाने का आनंद। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।
वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। नमस्ते, धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले रेसिपी के साथ।